नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें रोग या बीमारी कब है, टाइमिंग ऑफ डिसीज क्या हो जाती है, कैसे देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो वो हम अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की हमने बात की तो आपको हमने बताया कि किस तरह भावों के अनुसार बीमारी हो सकती है, रोग हो सकते हैं, फिर हमने ग्रहों के अनुसार कैसे रोग हो सकते हैं, फिर हमने आपको बताया कि राशियों के अनुसार कैसे ग्रह हो, कैसे रोग हो सकते हैं, ये सब की जानकारी हमने आपको दी है। आप वो सब वीडियो देखेंगे तो आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, तो आप जरूर देखिए वीडियोस। आज हम इसी श्रृंखला में बात करने को जा रहे हैं कि अगर जब भी हमें को कोई भी जानने की कोशिश करे कि हमारी कुंडली में हम किस तरह देखें कि हमें रोग होने की संभावना कब है, तो वो सब बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। रोग होने की संभावना कब बनती है, जबकि लग्न भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी जैसा यहाँ मंगल है और उसका कारक जैसा सूर्य है, ये अगर पापी ग्रहों से प्रभावित हो तो पापी ग्रह से प्रभावित सूर्य है यहाँ शनि के साथ में है, फिर लग्न कमजोर होता है अगर वो 6-8-12 में बैठा है, तो इस तरह से लग्न लग्न भाव का स्वामी और कारक अगर कमजोर होता है कोई भी कुंडली में तो रोग होने की संभावनाएं होती है। तो रोग कब होगा, जबकि लग्न का स्वामी 6-8-12 में बैठा हो, वो पाप ग्रहों के साथ में बैठा हो, उनपे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, या लग्न नीच का हो आपकी कुंडली में, या वो त्रिक भाव 6-8-12 में हो और पापी ग्रहों के साथ में हो, जैसे यहाँ शनि के साथ में है, छठे भाव का स्वामी बुध शनि के साथ में है, सूर्य के साथ में है, फिर ये लग्न भी, तो यहाँ पे लग्न कमजोर हो जाता, कारक कमजोर हो जाता है। तो जब भी एक जो दशाएं आएगी आपकी, तो जो ग्रह प्रभावित करते हैं उनकी दशा अंतर दशाओं में रोग होने की संभावना होती है, या जब ये छठे भाव का स्वामी जैसे यहाँ बुध बना है और लग्न में बैठा है, तो जब छठे भाव के स्वामी बुध की दशा अंतर दशा आएगी जब आपको रोग होगा, फिर अष्टम भाव का जो स्वामी मंगल है वो अभी प्रभावित है आपका राहु केतु आदि के से अगर प्रभाव में आ रहा है और वो निर्बल है, तो फिर अष्टमेश की दशा दशा में भी आपकी रोग होने की संभावना बनती है। इसी तरह 12वें भाव का जो स्वामी है वो अगर अगर वो लग्न में बैठता है, या वो 12 भाव का स्वामी जैसे छठे भाव में बैठा है और केतु से प्रभावित हो रहा है, तो इसके 12वें भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा में भी रोग होने की संभावना होती है, या इनके राशि परिवर्तन हो, छठे जैसे 8वें भाव में 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो इनकी दशा अंतर्दशा में भी हो सकता है। तो ये 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाए, 12वें भाव का स्वामी 8वें में जाए, तो भी इसकी भी दशा अंतर्दशा में हो सकता है। फिर मार्केश भाव जैसे 7वें और दूसरा भाव है, इनकी दशाएं अंतर दशा में भी आपको रोग होने की संभावनाएं बन सकती है। तो इस तरह गोचर में भी इन्हीं पे से अगर 6-8-12 और लग्न पे से ये जो पापी ग्रहों का प्रभाव आएगा गोचर में, तब भी आपको रोग होने की संभावनाएं हो सकती है। तो ये हमने आप जानने की कोशिश की कि अगर आपकी कुंडली में लग्न भाव कमजोर है, लग्न भाव का स्वामी कमजोर है और उसका कारक कमजोर है, या वो जब 6-8-12 में बैठते हैं, नीच के होते हैं, अस के होते हैं, पाप ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तो इस तरह के जो भी बीमारियां होने का समय जब बनता है, जबकि छठे भाव का स्वामी की दशा अंतर दशा हो, 8वें भाव के स्वामी की दशा अंतर दशा हो, 12वें भाव के स्वामी की दशा अंतर दशा, दूसरे भाव के स्वामी की दशा के अंतर दशा हो, या 7वें भाव के स्वामी की दशा अंतर दशा, और जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं वो जो जैसे शनि राहु केतु अगर ऐसे प्रभावित करते हैं, ये पापी ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो आपको ये बीमारी होने का समय बन जाता है। तो इस तरह आपने जाना कि
कुंडली में किस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको बीमारी हो, टाइमिंग आप डीसी जाने बीमारी होने का समय ज्ञात करने के लिए आपको दशा अंतर दशाएं और गोचर का प्रभाव देखते हैं, और वो भी छठे आठे 12 भाव के स्वामियों की दशा अंतर दशाओं में होता है, या फिर लग्न का स्वामी 6 8 12 में चला जाता है, उस पर पाप ग्रह जो प्रभाव डालते हैं शनि राहु केतु, तो उनकी दशा अंतर दशा में भी आपको रोग होने की संभावनाएं बन जाती है। तो इस तरह आपने जाना कि रोग होने की संभावनाएं कब होती है, तो अब उसके लिए उपाय में आपको हमने हमेशा बताया है कि आप महामंत्र जी के जाप करिए, जो शनि राहु केतु के मंत्रों के जाप कीजिए, 108 बार कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, सूर्य की आराधना कीजिए, तथा साथ साथ में गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को आराधना कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, उनके मंत्रों के जाप कीजिए, और साथ साथ में आप सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़िए। इस तरह से आप इनके प्रभावों को, जो भी ग्रह हैं उनके प्रभावों को आप कम कर सकते हैं, और जल्दी अच्छे होने की कामनाएं हो सकती है। तो इस तरह हमने जानकारी दी कि कब आपको बीमारी हो सकती है ज्योतिष के अंदर, यानी कुंडली के अंदर किस तरह से आप देख सकते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हमने आपको जानकारी दी कि रोग होने का समय क्या हो सकता है, वो हमने बताने की कोशिश की। आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीफोन से अगर आप परामर्श प्राप्त करना चाहते हो तो मामूली दक्षिणा दे के आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।